लोकतांत्रिक तरीके से तिब्बती लोगों द्वारा निर्वाचित राजनीतिक नेता एवं निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोबसांग सिक्योंग ने हिमाचल प्रदेश के नव नियुक्त मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से धर्मशाला में भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को थांगका पेंटिंग और खातक भेंट किया। इस मौके पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर, स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर के अलावा विधायक अर्जुन ठाकुर और हंसराज भी मौजूद थे। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोबसांग सियोंग ने शिष्टाचार भेंट के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आज शिष्टाचार भेंट की है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इतिहास बहुत ही प्रेरणादायक है और वह उनसे मिलकर बहुत ही खुश हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह प्रदेश सरकार को शुभकामनाएं देते हैं। लोबसांग सियोंग ने कहा कि वह यह आशा करते हैं कि नई सरकार का कार्यकाल सफल हो और वह प्रदेश में शांति एवं समृद्धि की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने महामहिम दलाई लामा की तरफ से उनको शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी महामहिम दलाई लामा से मिलने के लिए उत्साहित हैं और वह उनका यह संदेश महामहिम दलाई लामा तक पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार एवं भारत वासियों और खासकर हिमाचल वासियों के बहुत ऋणी हैं क्योंकि महामहिम दलाई लामा पिछले 57 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और साथ ही साथ तिब्बत की सरकार और शासन प्रबंध भी धर्मशाला से ही सक्रिय है और यह केवल हिमाचल वासियों के प्यार और दयालुता की वजह से संभव है। प्रधानमंत्री डॉक्टर लोबसांग सियोंग ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने पूर्ण कार्यकाल में भी उनका सहयोग दिया था और उनको पूरा भरोसा है कि यह समर्थन इस बार भी कायम रहेगा, जिसके लिए वह सदैव उनके आभारी रहेंगे। Just come to meet with and make a courteous call to the new Chief Minister of Himachal Pradesh, Jairam Thakurji, and he has a very inspiring background and it's very pleasant and honor to meet with him, and we conveyed our best wishes to him and wished Himachal Pradesh as a state and the new government the very best, that this the new 2018 and the new government will have a very successful tenure and bring peace and prosperity to the state of Himachal Pradesh, and also convey to him best regards from His Holiness Dalai Lama, that His Holiness is very appreciative of the Himachal Pradesh, and CM Saab also wants to call on His Holiness Dalai Lama, and that I'll convey the message today only. So, and as I always say, the government of India and people of India has done the greatest for the Tibetan people, especially Himachal Pradesh, because this is where His Holiness Dalai Lama has been residing for the last 50 some years, and Central Tibetan Administration is also based here. This is mainly because of the love and kindness of the people of Himachal Pradesh, for which we are very grateful. Any hopes or expectations from the new government? I think, because when I came in 2011, there was a BJP government, and in between Congress government came. Now the BJP government has come in full circle, and previous BJP government have always supported the Tibetan people, and we hope the support will continue. And I think one of them told us that everything that needs to be done, that is needed for the Tibetan people, will be continued from the new government also, for which we are very grateful.